स्वागत वेलकम टू अवर चैनल। तो आयो आप सब लोग बढ़िया होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो चलिए बस अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू सॉल्व या फिर फिक्स कह लो हाउ टू सॉल्व कुड नॉट रिफ्रेश फीड इन इंस्टाग्राम। मतलब कि भाई क्या होता है कि अगर भाई आप रिफ्रेश करना चाह रहे हो तो आपको भाई ऐसा लिखा हुआ आता है कुड नॉट रिफ्रेश फीड। मतलब भाई ये प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। तो अगर ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि भाई आपको वाली फीड नहीं देखनी है, वीडियो नहीं देखनी है, अब रिफ्रेश करके भाई कोई दूसरी वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको भाई कोई शो नहीं हो रहा है, पर आपको ये लिखा हुआ आ रहा है कुड नॉट रिफ्रेश फीड। ये जो भाई प्रॉब्लम है आज ही मैं भाई सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो शायद आपकी जो प्रॉब्लम है वो भाई सॉल्व नहीं हो पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई लोग, मैं आपको पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है, तो आप मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो रिफ्रेश करते हैं भाई, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कुड नॉट रिफ्रेश फीड। तो आप सभी लोग को भाई इस प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। भाई मेरे को तो ये कुछ वीडियोस दिख रही हैं, पर आपको ये भी नहीं दिख रही होगी। ये देखो आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो भाई आप लोग समझ गए होंगे कि भाई मेरे जो मोबाइल डेटा और जो वाईफाई है वो ऑफ है, मेरे को इस वजह से भाई दिख रही है। पर भाई आपको तो ऑन है, मतलब भाई आपको जो मोबाइल डेटा है फिर वाईफाई है वो तो भाई आपने ऑन करके रखा है, आपको फिर भी भाई ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखो भाई आपको बताना था कि प्रॉब्लम क्या दिख रही है, तो इसलिए भाई मैंने आपको ये सब भाई अपना वाईफाई को ऑफ करके दिखाया हुआ था। तो ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका जो भाई सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, प्ले स्टोर पर चले जाओ। अगर आपको जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट ना हो तो भाई सबसे पहले अपडेट कर लो। देखो भाई अपडेट करने से जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी नहीं हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंस्टाग्राम को ओपन करो, प्रोफाइल पे आओ अपनी। फिर प्रोफाइल पे आने के बाद आपको भाई राइट साइड के टॉप पे थ्री लाइन दिखेगी, उस पर क्लिक करो। फिर आपको भाई एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। नीचे आ जाओ, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग आउट, तो आपको ऑल अकाउंट पर क्लिक नहीं करना है, आपको बस सिंपली अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। फिर लॉग आउट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको भाई वहाँ पे दिख रहा होगा कि आप भाई क्लिक करके दोबारा लॉग इन कर सकते हो, पर आपको वहाँ से भी रिमूव कर देना है। मैं भाई अभी लॉग आउट नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ये सब कर लेना है। फिर जब आप भाई लॉग आउट करके दोबारा से भाई आप लॉग इन करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भाई सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी नहीं हुई है तो आप एक काम करो भाई, आप क्रोम को ओपन कर लो। क्रोम को ओपन भाई आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम लॉगिन। आप इंस्टाग्राम लॉगिन सर्च करोगे इंस्टाग्राम लॉगिन, तो आपको जो सबसे टॉप पे जो पहली वेबसाइट मिलेगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्टाग्राम सिलेक्ट नहीं करना है, आपको क्रोम सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जो भाई यूज़र नेम और जो पासवर्ड है उसे यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसे कि भाई लोग मैंने अपना जो भाई यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे लगा दिया, तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली भाई लॉगिन पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने भी कर दिया है। तो देखो भाई आप जब गूगल पे देखोगे तो नॉट नाउ पे क्लिक कर लो। अगर आपको सेव इन्फो करना है अपनी तो आप कर सकते हो, जिससे अगर आप भूल जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो नॉट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। देखो भाई जैसे मेरा इंस्टाग्राम था वैसे ही भाई सेम टू सेम यहाँ पे चल रहा है, भाई यहाँ पे भी सेम टू सेम भाई मेरा जो इंस्टाग्राम है वो भाई चल रहा है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको जो भाई इंस्टाग्राम है वो यहाँ पे चलने लगा होगा, पर जो ऐप है भाई उसमें नहीं चल रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भाई चलाना है 15-20 मिनट तक। फिर भाई 15-20 मिनट तक चलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद एप्लीकेशन में यूज़ करना है, फिर आपका जो भाई इंस्टाग्राम है वो भाई वापस से पहले जैसा चलने लगेगा। अगर भाई 15-20 मिनट से काम ना चले तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन तक भाई आप उससे काम चला लेना गूगल वाले से, फिर उसके बाद जो आपका भाई इंस्टाग्राम है वो भाई पहले जैसा वर्क करने लगेगा। वरना भाई अपने पास एक और सॉल्यूशन भी है, अगर आप चाहो तो आप प्ले स्टोर पर जाके भाई सर्च कर लेना इंस्टाग्राम लाइट। अगर आप भाई एक काम कर सकते तब तक के लिए आप भाई इस वाले एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लाइट वाला ऐप है, अगर आप चाहो तो आप भाई इस वाले में भाई वर्क करेगा, इसमें भी आपका काम हो जाएगा। फिर भाई जो एक और चीज़ बची है जो भाई मेन प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भाई नहीं चल रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। इंस्टाग्राम को ओपन कर लो और सेटिंग्स पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम तरीके से। फिर भाई नीचे आओ, आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट का, अबाउट पे क्लिक करो। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो अगर आप जो ऐप अपडेट है इस पर आप भाई सब पे टिक लगा देना, सब पे टिक लगा हुआ है, आप देख लो भाई सब इनेबल है, तो आप देख लो भाई सब इनेबल है। अगर आपका इनेबल ना हो तो सबको भाई इनेबल कर देना। तो भाई आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा,
डेटा पॉलिसी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, आपको इस टाइप का शायद ना दिख रहा हो, आपको भाई कुछ और टाइप का दिख रहा हो, उसमें आपको लिखा हुआ आ रहा हो भाई वो ऐसा जो आपके साथ हो रहा है भाई, ऐसा हो सकता है कि आपने भाई कमेंट में बहुत गाली गलौज करी, उल्टा सीधा बोला एक दूसरे को। तो इस वजह से भाई जो इंस्टाग्राम है उसने भाई इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आप गए हो, तो उस वजह से भाई इंस्टाग्राम ने आप स्ट्राइक मार दिया। फिर भाई आप जो भी कह लो भाई, अब वो नहीं मालूम मेरे को कि क्या कह सकते हैं उसे, पर भाई स्ट्राइक मान लो, जैसे कि अपन यूट्यूब पे मानते हैं स्ट्राइक, अब ऐसे भाई इंस्टाग्राम की स्ट्राइक मान लो, तो उसमें फिर भाई क्या होगा, आपको नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा ओके का या फिर नेक्स्ट का, आपको जो भी आ रहा हो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर क्या होगा, फिर आपको मेरे हिसाब से क्या भाई आ ही रहा होगा। उसके बाद भाई आपको इस टाइप का शो हो रहा होगा, हेल्थ सेंटर, आपको यहाँ पे डेटा पॉलिसी ये सब लिखा हुआ आ रहा होगा, ये सब अब आपको शो होने लगा होगा। अगर आपको ये सब शो होने लगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो भाई सॉल्व हो चुकी। तो अगर आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भाई इस रीज़न से थी, तो भाई वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो देखो भाई, जितने भी भाई रीज़न थे जिस वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वो भाई मैंने सबको आपको इस वीडियो में बता दिया। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रीज़न है प्रॉब्लम का वो शायद आखिरी वाला हो, या फिर भाई पहला वाला भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि भाई आपको सारे जितने भी मैंने आपको भाई बताए तरीके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, भाई आपको एक एक को करके देखना है। और भाई ऐसा मत करना कि भाई आपको भाई एक एक को करके देखना है, तो भाई आई होप कि आप सबकी भाई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई हो। अगर हो गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं हुई हो तो भाई ज़रूर बता ही देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई आप सभी लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सब भाई मेरी वीडियो को फिर से देखो। और एक और चीज़, आप लोग मुझे बस सजेशन दिया करो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। और अगर आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो भाई, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस एक कमेंट किए बिना मत जाना, और हाँ घंटी बजाते हुए जाना। जय हिंद, जय भारत।